मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बैठक कर लिए गए एक निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सियासी हलके से, जहां कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर ली है और कांग्रेस के इस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक के बाद निर्णय लिया है कि वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी। इस फैसले की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण भनोत और जीतू पटवारी बड़े उत्साह में नजर आए। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और कमलनाथ हमारा नेतृत्व करेंगे। आज की बैठक का प्रमुख मुद्दा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार एकजुट होकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मध्य प्रदेश में समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश की जनता का जो अधिकार है, मध्य प्रदेश की जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में, करों के रूप में सरकार को मिलता है, उसका किस प्रकार से लगातार 17 साल से दोहन किया गया, वो जनता के सामने कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लेकर जाएगी। एक तरफ कांग्रेस अपने निर्णय के साथ खुश है कि कमलनाथ के नेतृत्व में वे आने वाले चुनाव को लड़ेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के इस निर्णय पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने गहरा तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संन्यास की उम्र में कमलनाथ ने सहरा पहन लिया है। संन्यास की उम्र में सहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नमस्कार।